बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की 83 नाम की एक मूवी आई है जो कि क्रिकेटर कपिल देव की बायोपिक है। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, वो भी सोशल मीडिया पे, और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न सुशांत सिंह राजपूत की डेथ भी है। जैसा कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी आई थी जो कि धोनी की बायोपिक थी, उसमें जो है सुशांत सिंह राजपूत ने काफ़ी अच्छा अभिनय किया था, जिसकी वजह से वो मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट भी हुई थी, जिसकी वजह से अब जो है इस तरह की मूवी बनने स्टार्ट हो गई हैं बॉलीवुड में। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में रणवीर सिंह की मूवी 83 जो है हाल ही में रिलीज हुई है और इसका जो है भरपूर मात्रा में एडवर्टाइजमेंट जो है किया गया है, और इन लोगों को पूरी उम्मीद भी थी कि ये मूवी भी काफ़ी अच्छा करेगी जैसे कि धोनी की बायोपिक ने किया था। लेकिन इसी बीच जो है ट्विटर पर बायकॉट 83 जो है वो ट्रेंड होने लगा। सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये ट्रेंड हो क्यों रहा है। सबसे पहला एक रीजन जो हो सकता है वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो रणवीर सिंह हैं इन्होंने एक मैड एंगल का एक एडवर्टाइजमेंट किया था जिस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। लोगों द्वारा दावा किया जा रहा था कि ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाने के लिए ये ऐड बनाया गया है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम भी बवाल मचा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने हर चीज़ को बायकॉट करने की बात उस टाइम की थी। हो सकता है कि इसलिए जो है अभी रणवीर सिंह की इस मूवी को बायकॉट करने की बात की जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए दूसरे रीजन की तो वो है दीपिका पादुकोण, जिनका नाम जो है ड्रग केस में आया था और एनसीबी की टीम के द्वारा उनको जो है समन भी किया गया था, पूछताछ के लिए उनको बुलाया भी गया था। हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इनकी इस मूवी को पूरी तरह से बायकॉट करने की बात की जा रही है, वो भी ट्विटर पे, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी हो रहा है। साथ में ही रणवीर सिंह के ऊपर भी काफ़ी बार आरोप लगे कि ये भी ड्रग्स लेते हैं और इनके ऊपर लगातार जो है एक के बाद एक सोशल मीडिया पे हैशटैग यूज़ किए गए इनके खिलाफ में। तो कहीं ना कहीं यही एक मेन रीज़न हो सकता है, यही सारे जो है मेन रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो रणवीर सिंह की मूवी 83 है जो रिलीज़ हुई है इसको जो है बायकॉट करने की डिमांड की जा रही है ट्विटर पर। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।